हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है वैलिडिटी वाले वीडियो का, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी चार टाइप्स की टाइप की होती हैं। पहले एनलिस्ट हम मैंने किया है यहाँ पे, आइए देख लेते हैं एक एक करके। एक होती है फेस वैलिडिटी, सेकंड वन इज कंटेंट वैलिडिटी, थर्ड वन इज क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी के फर्दर दो में डिवाइडेड होती है, कंकरेंट वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। और लास्ट वन इज अ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इसके भी दो पार्ट हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। इन चारों टाइप्स को वन बाय वन हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आगे आपके अब नए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं तो रिसर्च रिलेटेड अगर उसमें लेवल अप होगा तो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी से वहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए नॉर्सेट एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए समझते हैं पहला, दैट इज फेस वैलिडिटी। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, फेस वैलिडिटी रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट अपीयर्स टू मेजर वट इट क्लेम्स टू मेजर बेस्ड ऑन द फेस वैल्यू और अपियरेंस। इट इज द वीकेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी। मतलब ये वैलिडिटी क्या होती है कि किसी टूल का मान्य होना, डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर वट इट इज सपोज टू मेजर। मतलब हमने उस इंस्ट्रूमेंट को, जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया है, क्या वो उस चीज को मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम वैलिडिटी बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले पार्ट में समझ लिया, फेस वैलिडिटी मतलब उस इंस्ट्रूमेंट को बस उसकी फेस वैल्यू या उसके अपियरेंस से ही देखने पर, उस टूल को बस देखने भर से ही हमें ये पता चल जाए कि ये टूल किस चीज़ को मेजर करने के लिए बनाया गया है। अगर वो उस चीज़ में असफल हो पा रहा है कि हम उसको देख के ही बता दे रहे हैं कि ये मे बी इस चीज़ के लिए बना होगा, तो हम बोलते हैं कि वो टूल फेस वैलिडिटी को शो कर रहा है, ये उस टूल की फेस वैलिडिटी है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम अगर समझेंगे इजी हो जाएगा, लाइक फेस वैलिडिटी के लिए, लाइक बाय लुकिंग एट थर्मोमीटर वी कैन सी टेम्परेचर मार्किंग्स ओवर दैट। कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम एक टूल डेवलप करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, थर्मोमीटर हम जिसको बोलते हैं। तो थर्मोमीटर को देखने से ही, जब उसके ऊपर टेम्परेचर की मार्किंग्स उसमें प्रिंटेड हैं, तो उसको देखने से ही हमें पता चल गया कि ये टूल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बना है। तो उसको देखने से ही अगर हमें उसकी वैलिडिटी पता चल रही है तो उसको हम फेस वैलिडिटी बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखें, आपको और समझ में आएगा। इफ आई मेक अ मैथ्स क्वेश्चनर, मतलब अगर एक टूल डेवलप करें या एक क्वेश्चनर डेवलप करें और वो मैथ्स रिलेटेड है, देन इज इट लुकिंग दैट इट कंटेन्स ओनली मैथ्स क्वेश्चन और इट हैज सम फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन ऑल्सो। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये टूल जो है, ये क्वेश्चनर अगर डेवलप किया है एक रिसर्चर ने, किस चीज की, किसके लिए, मैथ्स के लिए, मैथ्स के रिगार्डिंग, तो क्या उस क्वेश्चनर में सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन हैं या उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी हैं? अगर उसमें बस मैथ्स के ही क्वेश्चन दिख रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को देख के ही मुझे पता चल जाएगा कि ये जो टूल है, ये जो क्वेश्चनर है, ये मैथ्स का क्वेश्चनर है। लेकिन अगर उसमें मिलावट होगी, कुछ क्वेश्चन उसमें फिजिक्स के भी होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, तो वो फिर फेस वैलिडिटी शो नहीं करेगा। मतलब मुझे देखने से मैं उसको बता नहीं पाऊंगा कि ये किस चीज को मेजर करने के लिए है या ये किस चीज के रिगार्डिंग है। अगर वो मैथ्स क्वेश्चनर है तो उसमें मैथ्स के ही क्वेश्चन होने चाहिए। अगर ऐसा है तब मैं बोलूंगा कि इसकी फेस वैलिडिटी है, अगर ऐसा नहीं है तो फेस वैलिडिटी वहां पे रिजेक्ट हो जाएगी। आई थिंक ये सबसे इजी वैलिडिटी है, फेस वैलिडिटी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कंटेंट वैलिडिटी, सेकंड टाइप ऑफ वैलिडिटी। ये क्या है, द एक्सटेंट टू विच द मेजरमेंट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कंसेप्ट बीइंग मेजर्ड। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी मेजरमेंट हम करने जा रहे हैं, जिस भी टूल को हमने बनाया उससे जो भी मेजरमेंट हम करेंगे, वो मेजरमेंट क्या उसके हर एस्पेक्ट को, उस कंसेप्ट के हर एस्पेक्ट को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो करेगा तो कंटेंट वैलिडिटी रहेगी उसकी, और नहीं करेगा तो उसमें कंटेंट वैलिडिटी नहीं। जैसे कि एग्जांपल से हम समझेंगे, अ रिसर्चर एम्स टू मेजर हिंदी लैंग्वेज एबिलिटी ऑफ कॉलेज लेवल स्टूडेंट। एक रिसर्चर ये देखना चाह रहा है कि हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान कॉलेज लेवल स्टूडेंट में कितना है या उनके समझने की एबिलिटी क्या है हिंदी लैंग्वेज के रिगार्डिंग। तो रिसर्चर डेवलप अ टेस्ट, वो एक क्वेश्चनर, एक टूल, एक टेस्ट डेवलप करेगा विच कंटेन रीडिंग
राइटिंग एंड स्पीकिंग कंपोनेंट्स, मतलब एक लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए, ये देखने के लिए कि उस लैंग्वेज की एबिलिटी, उसमें किसकी कितनी मास्टरी है उस लैंग्वेज पे, उसने क्या क्या कंपोनेंट डाले अपने टूल में, रीडिंग कंपोनेंट कि उसे पढ़ना आ रहा है, उसे लिखना आता है और उसे बोलना आता है, बट अगर नो लिसनिंग कंपोनेंट, लेकिन उसने लिसनिंग वाला कंपोनेंट नहीं है, सारे कवर्स ऑल एस्पेक्ट, सारे कवर एस्पेक्ट कवर होने चाहिए, अगर लिसनिंग कंपोनेंट भी ऐड करता तो हम बोलते कि ये मेजर कर रहा है क्या, कंटेंट वैलिडिटी मेजर कर रहा है, बट नो लिसनिंग कंपोनेंट, सो इट मीन्स इट डज नॉट मेजर द कंटेंट वैलिडिटी, कि ये इस लैंग्वेज एबिलिटी को चेक करने के सारे कंपोनेंट, सारे के सारे एस्पेक्ट कवर अप नहीं कर रहा है, इसलिए कंटेंट वैलिडिटी नहीं है, अगर कर लेता तो कंटेंट वैलिडिटी हो जाती। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड वन पे बात करते हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी इवेल्युएट्स हाउ एक्यूरेटली अटेम्प्ट मेजर्स द आउटकम्स इट वर डिजाइन टू मेजर, जिस भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमने टूल डेवलप किया है वो कितना एक्यूरेट हमें आउटकम दे रहा है, उसको बोलते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी। इसके दो टाइप्स हैं, उनको समझते हैं एक एक करके। इसका पहला टाइप है कनकरंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन का पहला टाइप है कनकरंट वैलिडिटी, इसको समझे। इट इज यूज्ड व्हेन द स्कोर्स ऑफ अ टेस्ट एंड द क्राइटेरियन वेरिएबल्स आर ऑब्टेंड एट द सेम टाइम, स्कोर्स ऑफ ए न्यू टेस्ट correlates with another test that is already considered valid। मतलब इसका मतलब ये है, इसमें हम क्या करते हैं कि दो टेस्ट कर दिए, एक टेस्ट वन किया और एक टेस्ट टू किया, या एक टेस्ट मान लो पहले से हुआ है और उस टेस्ट के बेस पे हमने एक टेस्ट और करना है, और उन दोनों टेस्ट को हम आपस में correlate करते हैं। अब correlation अगर करेंगे तो रिजल्ट अगर देखिए, हाई correlation बिटवीन द न्यू टेस्ट एंड द क्राइटेरियन वेरिएबल, क्राइटेरियन वेरिएबल मान के चले आप पुराना टेस्ट जो है अनदर वन, तो अगर उनके बीच में हाई correlation बिटवीन द न्यू टेस्ट एंड द क्राइटेरियन वेरिएबल, तो वो इंडिकेट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कंकरेंट वैलिडिटी। अगर पुराना टेस्ट और नए टेस्ट के बीच में correlation आ गया तो कंकरेंट वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी स्टूडेंट का हमें देखना है कि ये कैसा स्टूडेंट है, तो अगर हमने उसके मान लो दो टेस्ट ले लिया, एक फर्स्ट सेशनल आ गया और एक सेकंड सेशनल आ गया, तो हम दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, आपस में कोरिलेशन देखेंगे कि उसका पहले सेशनल का क्या परफॉर्मेंस था और सेकंड सेशनल का क्या परफॉर्मेंस था। अगर दोनों परफॉर्मेंस आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, हाईली कोरिलेट कर रहे हैं, तो वो इंडिकेट करेगा कि जो टूल है, जो भी हमने उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जो भी हमारा है, वो उसमें कंकरेंट वैलिडिटी शो हो रही है। इसी का दूसरा टाइप है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। इट इज यूज्ड व्हेन द क्राइटेरियन वेरिएबल्स आर मेजर्ड आफ्टर द स्कोर्स ऑफ द टेस्ट। इसमें हम दो टेस्ट करते हैं और दोनों को कंपेयर करके कोरिलेशन चेक करते हैं, उसमें कोरिलेशन अगर हाई आ गया तो वैलिडिटी था। प्रिडिक्टिव में हम बस एक टेस्ट देंगे, एग्जांपल देखिए, अ रिसर्चर एग्जामिन हाउ द रिजल्ट्स ऑफ अ जॉब रिक्रूटमेंट टेस्ट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। मतलब हमने क्या किया, एक टेस्ट कर दिया, उस टेस्ट का एक लेवल सेट कर दिया, तो उस टेस्ट में उस लेवल को हमने ये मान के चला कि जो जो इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा, हमने उस पर उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर लिया कि ये जो उसमें पास हो गया हम उसको जॉब ले दे देंगे, जो उसमें नहीं हुआ उसको जॉब नहीं देंगे। मतलब उस एक सिंगल टेस्ट पे, अरिजम एग्जामिन हाउ द रिजल्ट्स ऑफ ए जॉब रिक्रूटमेंट टेस्ट, कि जॉब रिक्रूटमेंट टेस्ट के रिजल्ट के बेस पे हम किसी का फ्यूचर परफॉर्मेंस अगर प्रिडिक्ट कर दें, तो उसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। जैसा कि हम अपने एंट्रेंस में करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वालिफाई हो गया तो हम ये मान लेते हैं कि ये एंट्रेंस क्वालिफाई करके आया है, तो ये इस जॉब को या जो भी रिक्रूटमेंट हो है उसको डिजर्व करता है, हमने ऐसा प्रिडिक्ट कर दिया, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। तो कंकरेंट वैलिडिटी में टेस्ट वन वर्सेस टेस्ट टू और उसके बीच में कोरिलेशन निकालना है, और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में हम एक सिंगल टेस्ट लेंगे और उसका पैरामीटर्स अगर वो टिक कर रहा है सारे, तो हम उसमें उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस को टिक कर देंगे और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को उससे मेजर करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया। एंड द लास्ट वन इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज ए थ्योरिटिकल आइडिया। कंस्ट्रक्ट टर्म का मतलब कि कंस्ट्रक्ट इज अ थ्योरिटिकल आइडिया और कंसेप्ट है दैट इज यूजुअली नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते,
उनकी वैलिडिटी निकालने के लिए हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें मान लो सेल्फ एस्टीम देखना है, मोटिवेशन चेक करना है, एंजाइटी करना है, डिप्रेशन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, है ना। एंजाइटी हम किसी के किलो में तो नहीं निकालेंगे कि भाई कितने किलो एंजाइटी हो गई है, या डिप्रेशन कितना हो गया। तो ऐसी चीज़ों को मेजर करने के लिए जो टूल डेवलप होता है उसकी वैलिडिटी जब चेक करनी होती है तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहलाती है। इसके फर्दर दो टाइप्स हैं। पहला है कन्वर्जेंट वैलिडिटी। पहला टाइप है कन्वर्जेंट वैलिडिटी, द एक्सटेंट टू विच मेजर्स ऑफ अ सेम कंस्ट्रक्ट एक्चुअली कोरिस्पॉन्ड टू ईच अदर। दूसरी डेफिनेशन से समझ में आएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द डिफरेंट टेस्ट दैट मेजर द सेम थिंग। मतलब जैसे कि ये देखिए एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। तो एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए मैंने कंपोनेंट लिया है एंजाइटी, तो एंजाइटी के लिए इसमें देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द डिफरेंट टेस्ट, मैंने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट किए, मान लो टेस्ट वन, टेस्ट टू, अलग अलग टेस्ट, टेस्ट थ्री और टेस्ट फोर, ये अलग अलग टेस्ट मैंने सेम कंपोनेंट को चेक करने के लिए किए, और इन चारों टेस्ट से मुझे ये पता चल रहा है एक सेम रिजल्ट आ रहा है या मुझे एक पॉजिटिव कोरिलेशन मिल रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि ये टूल में कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। दिस इज द कन्वर्जेंट, मतलब ये चार अलग अलग टेस्ट डिफरेंट टेस्ट मेजर कर रहे हैं एक सेम थिंग को, एंजाइटी को, डायग्राम से समझ में आ रहा है, दिस इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी। एंड द लास्ट वन इज डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, इट मेजर्स द अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट दैट शुड बी अनरिलेटेड, वेरी वीकली रिलेटेड, नेगेटिवली रिलेटेड और एक्चुअली आर इन द प्रैक्टिस। मतलब इसमें हम पॉजिटिव कोरिलेशन अगर हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट दैट मेजर द डिफरेंट थिंग, यहाँ पे देखिए डायग्राम उल्टा हो गया कि यहाँ पे देखो टेस्ट अलग अलग थे, एक कंपोनेंट था, यहाँ पे टेस्ट एक ही है, तो एक ही टेस्ट से हम चार अलग अलग एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन, इन चारों को टेस्ट कर रहे हैं, और ये चारों आपस में क्या शो करेंगे, या तो ये शुड बी, इनमें कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, या वीक रिलेशन होना चाहिए, या नेगेटिवली कोरिलेशन देखने के लिए मिलेगा। तो तब अगर ऐसा देखने के लिए नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टेस्ट दैट मेजर द डिफरेंट थिंग, एक ही टेस्ट अलग अलग चीजें मेजर कर रहा है और उनमें कोई कोरिलेशन नहीं है, जब कोरिलेशन नहीं आएगा तो हम इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। आई थिंक आपको चार टाइप की वैलिडिटी क्लियर हो गई होगी। तो ये टाइप्स ऑफ वैलिडिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।